नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बढ़िया से चल रहा होगा। तो ज्योग्राफी का ये मॉक टेस्ट जो है, ये सेकेंड पार्ट है उसका। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो ये किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका चेन्नई में स्थित है। याद रखेंगे, भारत में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र जो है किस स्थान पे है, तो ये चेन्नई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित कीजिए, मतलब कौन सा गलत है? मयूर काशी पश्चिम बंगाल, मोदाका बांध उत्तर प्रदेश, मुकेरिया जल विद्युत परियोजना पंजाब, कलाड़ा सिंचाई योजना तमिलनाडु। तो क्या है आंसर इसका? तो इसका आंसर है डी, कलाड़ा सिंचाई योजना तमिलनाडु। ठीक है, ये जो है कलाड़ा सिंचाई योजना जो है ये केरल में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिंजी नदी के प्रवाह तंत्र द्वारा भारत के किस भाग का निर्माण किया जाता है? तो किस भाग का निर्माण किया जाता है? दमन, दीव, पुडुचेरी, गोवा। तो ये पुदुचेरी, सॉरी, पुदुचेरी का जिंजी नदी बेसिन पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत का पहला एकीकृत बागवानी जिला किस राज्य में स्थित है? एकदम टॉप के लेवल का क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आप लोग के पास। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, कम से कम मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आएंगे आप लोगों के बीच। तो बताइए, भारत का पहला एकीकृत बागवानी जिला जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ए आंसर इसका सही है, जिन लोगों का ए आया उनका सही आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस नहर को सतलुज और ब्यास नदी से जल प्राप्त होता है? मतलब किस नहर से सतलुज और ब्यास नदी का जल प्रवाहित होता है? तो ये आप लोगों को पता होगा, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो ये आप लोगों को पता होगा कि कर्नाटक राज्य जो है सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जवार खाने किस राज्य में स्थित है? ये मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता होना चाहिए। जवार खाने राजस्थान में स्थित है। जवार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। ज्वार खदान विश्व की सबसे पुरानी जास्ता खदान में से एक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ऑप्शन देख लीजिए, नर्मदा, तापी, साबरमती, गोदावरी। तो कौन सा नदी जो है अरब सागर में नहीं गिनती है? तो ये गोदावरी। गोदावरी आपको पता होगा, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट इस स्थान पर मिलते हैं, किस स्थान पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं? कोई बता सकता है? पूर्वी तथा पश्चिमी घाट जो है ये नीलगिरी पहाड़ियां के स्थान पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का बताइए, दामोदर नदी का छोटा नागपुर पठार जो जहाँ हो है, छोटा नागपुर पठार का वहाँ से इसका उदय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत एक अधिकांश क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ दुर्लभ है, परंतु किस क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ आम है? मतलब
भारत में अधिकांश क्षेत्र में खारा पानी है जहां मगरमच्छ मिलना मुश्किल होता है, लेकिन एक जगह है जहां खारे पानी में भी मगरमच्छ मिलना आम बात होता है, तो वो कौन सा है? तो वो उड़ीसा और सुंदरवन है, यहाँ पे मगरमच्छ का मिलना आम बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? पंगोंग झील किस राज्य में स्थित है? पंगोंग झील, तो पंगोंग झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? झारखंड के साथ छोटा नागपुर पठार और किन राज्यों में फैला हुआ है? तो मतलब झारखंड के छोटा नागपुर पठार जो है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर पठार लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पठार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। ठीक है, कौन कौन? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो यह है अन्नामुड़ी केरल। ठीक है, इसका राइट आंसर है अन्नामुड़ी केरल। केरल में स्थित अन्नामुड़ी पर्वत केरल में स्थित है। यह दक्षिण भारत तथा पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान है। अन्नामुड़ी चोटी की समुन्तल से ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी ऊंचाई है समुन्तल से? 2695 मीटर। जो लोग हमारे वीडियो पे नए आ रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें कि वो ये टेस्ट सीरीज का लाभ उन लोग भी उठाएं और आगे भी आप लोगों को ऐसा टेस्ट सीरीज उपलब्ध होता रहे। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? कौन सा एक्सप्रेसवे है? तो ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है, सॉरी बी जो है, बी सॉरी बी नहीं ए, मुंबई और पुणे एक्सप्रेसवे जो है यह है सबसे पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? तो चांदीपुर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। चांदीपुर अथवा चांदीपुर अंशी उड़ीसा के बालेश्वर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उष्ण जोन में नहीं आता? यहाँ मिस्टेक हो गया है, जून जोन में नहीं आता। तो ये जयपुर, जयपुर जो है उष्ण जोन में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये गन्ना उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। ब्राजील, भारत, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान विश्व के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लक्षद्वीप के मलिक्कू एटोल से कौन सी चैनल अलग करता है? तो ये कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये चैनल जो है 9 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है। ठीक है, कोको नहीं, बी आंसर होगा 9 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है? तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये रहा आज का हम लोग का टेस्ट सीरीज का सेट। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग की तैयारी अच्छी हो गई होगी। ऐसे ही टेस्ट सीरीज अपलोड होता रहेगा। बहुत 2-3 अपलोड कर दिया जा चुका है। आप नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में चेक कीजिए और वहां से आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक करना नहीं भूले, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले।
शेयर करने से ये होगा कि आप भी तैयारी करेंगे और आप अपने दोस्तों को भी एक साथ लेके चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।